मैंने ऐसा क्या किया? ये अचानक मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही तुम? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, कोर्ट ले जाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। सर आप मुझे कविता की तरह भोली भाली मत समझना। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं पूरी दुनिया को बता कर रहूंगी। ये तुम बार बार कविता का नाम क्यों ले रही हो? क्यों ना लूं? मैं बार बार कविता का नाम लूंगी और पूरी दुनिया को भी बता कर रहूंगी। तुम्हें जो बताना है जिसको बताना है बताओ, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कौन है? सीआईडी। लेकिन मैंने किया क्या है? कविता आपकी स्टूडेंट है। जी हाँ। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता? फ्राइडे को यहाँ आई थी। फ्राइडे को? हाँ। नहीं, फ्राइडे को तो वो यहाँ थी ही नहीं। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कविता यहाँ थी फ्राइडे को और ये उसके ऊपर चिल्लाए भी थे। सर ये गलत बोल रही है सर, वो फ्राइडे को यहाँ नहीं आई थी सर। आप अगर चाहें तो आप रजिस्टर देख सकते हैं सर। क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये मेरे साथ चाल हो रही है सर, मेरे साथ कोई साजिश की जा रही है सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। सर इसमें तो कविता ने साइन की हुई है सर। सर वो फ्राइडे को यहीं पे थी लेकिन पिछले 3 दिनों से कहीं नजर नहीं आ रही, ना तो हॉस्टल में और ना ही अपने लोकल गार्जियन के पास। सर अगर वो हॉस्टल में नहीं है सर तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, वो यहाँ थी ही नहीं सर। अच्छा ये झूठ बोल रहा है, वो फ्राइडे को यहीं पे थी सर। जैसे हमने आपको बताया वो अहमदाबाद जाने वाली थी, सूटकेस भी लेकर आई थी, मगर ना वो स्टेशन पे आई और ना ही वो ट्रेन में बैठी। ये तुम्हें कैसे पता? सर मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं उसे छोड़ने जाने वाली थी, मैं स्टेशन पर उसका वेट करती रही लेकिन वो स्टेशन पर पहुंची ही नहीं और तभी मुझे इन पर शक गया। जरा वो कबर्ड खोलिए। क्यों सर? क्योंकि वो 6 फीट का है। क्या मतलब है सर आपका? कुछ नहीं, बस आप कबर्ड खोलिए। सर उसमें मेरे जरूरी कागज हैं सर। दिखाइए। बैग किसकी है? सर, मुझे नहीं मालूम सर। ले सर। सर सर ये तो कविता की बैग है, देखिए देखिए इसमें उसका नाम भी लिखा है। अब तो तुम गए अंदर। थोड़ा दूर खड़े रहो ना। दया
ये क्या है मास्टर जी? चुप, सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। सर अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं सर? मैंने पहली बार इतना घूस देखा है सर। अच्छा दया, तुम बाकी का सामान चेक करो। फ्रेडिक्स, इसे लेके चलो। सर कहां लेके जा रहे मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे जो बात करनी यही करिए सर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। चलो ये कार्ड संभाल के क्यों रखे? बड़ी अजीब लड़की है कविता। ये गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड्स लेके क्यों घूम रही है? आजकल लड़के लड़कियां बहुत जल्दी प्यार में पड़ते रहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? वो ऐसे ही शायद उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा ये, है ना? ऑन योर हैप्पी बर्थडे अरविंद, बी माय वैलेंटाइन। काफी रोमांटिक लड़का है ये अरविंद। दया, कविता अरविंद से मिलने वाली थी शुक्रवार को। क्या? ये देखो, July 7 फ्राइडे, मीटिंग अरविंद एट 4:30 PM। 4:30 PM? इस मास्टर जी का झगड़ा कितने बजे हुआ था कविता से? यही कोई करीबन 3 बजे। 3 बजे? अभिजीत, इस अरविंद से मिलना होगा। हो सकता है ये कविता उसी के साथ हो। आप जानती हैं इस अरविंद को? कौन है ये? जानती तो नहीं, लेकिन एक बार कविता के मुंह से उसका नाम जरूर सुना था। और वो शायद किसी मैट्रिक्स इंडस्ट्रीज में काम करता है। मैट्रिक्स इंडस्ट्रीज, अरविंद कुमार। सर, ये CID से ACP प्रद्युमन आए हैं। CID से? हाँ सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके, नाइस टू मीट यू। कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, आप कविता को कब से जानते हैं? कविता? कौन कविता? एक जवान लड़की है और आपकी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड? देखिए, मैं किसी भी कविता को नहीं जानता। दया, सर जरा साहब को याद दिलाओ। ये क्या है? फोटो है हाथी की। लड़की की फोटो है, दिखाई नहीं देती तुम्हें? पहचानते हो ना इसे? देखिए, मैं नहीं जानता इस तस्वीर में कौन सी लड़की है। मैं इस लड़की को नहीं पहचानता। वैसे आप इस कंपनी में करते क्या है? इंजीनियर हूं। कब से? 4 सालों से। तुम्हें गिटार बजाने का भी बहुत शौक है ना? जी। लोनावला में आपका एक बंगला है? जी हाँ। इगतपुरी के एक रिसोर्ट में तुम्हारा एक स्वीट बुक्ड है, क्यों? जी हाँ, पूरे साल के लिए बुक रहता है। लेकिन तब तो मिस्टर अरविंद, अब आपकी बोलती बंद। लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? कविता के बैग में से एक डायरी मिली थी जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। क्या? हाँ, और कविता गायब है। गायब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखे, मैं किसी भी कविता बविता को नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए। अरविंद बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। फ्रेडिक्स, इस पर अच्छी तरह से नजर रखो। देखो कहां कहां जाता है, किस किस से मिलता है। मुझे लगता है हमारे चक्कर के बारे में सबको पता चलने वाला है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, कल नहीं, आज, अभी 1 घंटे में। कहाँ थी तुम? क्या हुआ? गाड़ी में बैठ। क्या बात है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर। हम
लोग यहाँ पे भी तो बात कर सकते हैं। यहाँ बहुत रिस्की है। क्यों? चलो गाड़ी में बैठो, चलो। सर कुछ गड़बड़ लग रही है सर। अरविंद किसी लड़की से मिला है जो कविता लग रही है, और वो अरविंद के साथ उसके घर गई है सर। दरवाजा खोलो। मिस्टर अरविंद। कौन है आप लोग? आप लोग यहां भी आ गए? अब क्या हो गया? वो लड़की कहां है? लड़की? कौन सी लड़की? लाल साड़ी वाली लड़की, कहां है वो? देखिए यहां कोई लड़की वड़की नहीं है। लड़की है सर, मैंने अपनी आंखों से देखी है सर। इसकी बात मत मानिए। आई एम सॉरी मिस्टर अरविंद, लेकिन ये जो मेरा ऑफिसर है ना, एक बार किसी भी चीज को इसने अपने दांत में पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है। तो मैं क्या करूं? इसने आपको एक लाल साड़ी वाली लड़की के साथ देखा है। मेरे साथ? हाँ। तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी ना वो? सर इसने फोन पे कहा था जल्दी आ जाओ, कुछ गड़बड़ होने वाली है। मिस्टर अरविंद, आपके घर की तलाशी लेने दो हमें। ठीक है आइए। देखो अच्छी तरह से देखो, देखो लड़की कहाँ छुपी हुई है। देखना इसी भी साहब, दो मिनट में आपको पता चल जाएगा यहां कोई लाल साड़ी वाली लड़की नहीं। और हेयर क्लिप यहां पे तुम तो नहीं पहनते ना? जी ये सब किसका? ये मैं नहीं जानता सर। हाँ, लाल साड़ी में लिपटी हुई लड़की तो नहीं मिली, पर इस पेपर में लिपटा हुआ ये चाकू मिला है। चाकू? खून से सना हुआ चाकू? आपके घर में कैसे? ये चाकू यहां कैसे आया? सर सर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसमें? किसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सर कोई मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमने तो नहीं कहा था कि कोई खून हुआ है, है? सर मेरे कहने का मतलब था कि खून कर दिया कविता का, निपटा दिया उसे, है? सर खून? हाँ खून। सर मेरी बात समझिए, वो लाल साड़ी वाली लड़की गायब है सर, कहीं भी नहीं है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो क्या, कहाँ गई लड़की? मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं जानता। मैं एक हफ्ते से ऑफिस के काम के लिए दिल्ली गया था, आज सुबह ही वापस आया हूँ। अच्छा, एक हफ्ते से आप दिल्ली में थे? जी सर, मैं तो यहाँ था भी नहीं। तुम नहीं थे तो फिर कौन था यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई नहीं था। देखो दिमाग मत खराब करो, समझे? इतना बड़ा चाकू मिला है, चाकू पे खून लगा हुआ है, तुम कह रहे हो तुम यहाँ पे थे नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ, तो फिर चाकू पे खून किसका है? देखिए सर मैं नहीं जानता हूं ये खून किसका है। लेकिन सर वो लाल साड़ी वाली लड़की। फ्रेडरिक्स, फ्रेडरिक्स जरा धीरज रखो, उसे भी ढूंढेंगे। मैं काम करो, बिल्डिंग के जितने भी वॉचमैन हैं सबको इकट्ठा करो। यस सर। तुम लोगों को पता था कि अरविंद साहब बाहर गए? हाँ साहब। कब गए थे वो? सर पिछले संडे को गए थे। और आए कब थे? आज सुबह सर। नहीं साहब, तो शुक्रवार को ही वापस आ गए थे। शुक्रवार को? ए जी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सर? ये गलत कह रहा है। चुप रहो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये शुक्रवार को आए थे? सर उस रात मैं ड्यूटी पर था, तब इनके फ्लैट की लाइट जल रही थी। मैं देखने के लिए चला गया कि सब ठीक है या नहीं,
अरे जान, अभी अभी तो आई। 12:30 बज चुके अरविंद, और तुम तो जानते हो कि सुबह मुझे अहमदाबाद जाना है, मेरे 5 बजे की ट्रेन है। तो क्या हो गया, यहीं से चली जाना ना, छोड़ दूंगा मैं। मैं समझ गया कि साहब वापस आ गए, साथ में कोई लड़की भी है। मैं चुपचाप वापस चला गया। तुमने अरविंद साहब को आते हुए देखा था? नहीं साहब। लड़की को जाते हुए? नहीं साहब, लेकिन वो यहीं थी साहब। अच्छा, तुम दोनों में से किसी ने दूसरे दिन किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा था? जी नहीं साहब, लेकिन साहब उस शुक्रवार की रात मैंने एक अजीब बात देखी थी। क्या? सर, मैं उस रात बिल्डिंग के उस तरफ ड्यूटी पर था, तभी मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा, एक परछाई थी, वहां कोई था? पता नहीं साहब, सिर्फ एक परछाई थी। तुमने कुछ नहीं किया? सर, मैं ऊपर भागा। वो जो कोई भी था गायब हो गया था सर। टेरेस पे जाने का रास्ता किधर से है? कहाँ देखी थी परछाई? वहां सर। चलो दिखाओ। इस तरफ सर। हाँ अभिजीत, ऐसे कैसे गायब हो गया था है? पता नहीं सर, जब मैं यहां पहुंचा तो यहां कोई नहीं था। चलो अच्छी तरह से चेक करते हैं। दया, सर सिर्फ चाकू देख के कहना मुश्किल है कि कविता की मौत इस चाकू से हुई है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? एक रास्ता है सर, लेकिन 2 मिनट लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इस चाकू को घाव में फिट करके देखना चाहती हूँ। मैं 10 मिनट वेट करूंगा, मगर कुछ तो कीजिए। सर ये देखिए, लड़की की पैंट की जेब में से क्या मिला है? इस पे कुछ लिखा है? देख। बी डी एस एच बी डी एस एच बादशाह रिचा बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट। सर इधर आइए प्लीज।
देखा सर? देखा आपने चाकू? हाँ, चाकू तो घाव में एकदम फिट बैठ गया है। इसका मतलब है खून इसी से हुआ है। यस सर। लगता है आपको टोपियों का बहुत शौक है। काफी टोपी जमा कर रखी है आपने। भाई इसीलिए सब लोग मुझे टोपी पहनाते रहते हैं, खासकर मेरे एम्प्लाई। ये देखिए, अरविंद भी दिल्ली से मेरे लिए कुछ लेकर आया है। ये अरविंद है? हाँ, हिमाचल की है। मगर वो तो दिल्ली गया था ना? बहुत अच्छा लड़का है वो। ही इज वेरी नाइस बॉय। भाई मेरा तो बहुत ख्याल रखता है वो। देखिए देखिए मेरे लिए कितनी खूबसूरत टोपी लेकर आया है। मगर ये टोपी तो हिमाचल की है और वो गया था दिल्ली। आप तो दिल्ली के पीछे पड़ गए। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अरे भाई वो कहीं से भी लेकर आया, लेके तो आया ना। देखिए मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत कीजिए, इंस्पेक्टर अभिजीत नाम है मेरा। आप मुझे ठीक ठीक से बताइए कि अरविंद दिल्ली में कहां पे ठहरा था, कितने दिन था, कब दिल्ली पहुंचा और कब चला वहां से। एक मिनट। यस सर। हेलो रूबी। यस सर। अरविंद के दिल्ली टूर की फाइल लेकर आओ। ओके सर। वो दिल्ली कब पहुंचा, कब सोया, कब उठा, कब टॉयलेट गया, ये सब लिख कर लेके आओ। ओके। अब आपकी और मेरी दोस्ती जमेगी। ना बाबा ना, सीआईडी वालों से दूर रहना ही अच्छा है। आप चाहें तो ये खूबसूरत टोपी ले सकते हैं। हाँ लेकिन वो गया दिल्ली और टोपी लाया हिमाचल की। कविता को मरे हुए एक या दो दिन नहीं हुआ है, कम से कम 72 घंटे हो चुके हैं। 72 घंटे? आज सोमवार है, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। इसका मतलब है इस लड़की का खून शुक्रवार को, फ्राइडे को हुआ है। जी हाँ सर, इस लड़की की मौत शुक्रवार को हो चुकी थी। सर अगर ऐसा है तो अरविंद तो बच गया, वो शुक्रवार को दिल्ली में था। लेकिन दया वो डांस टीचर तो है ना, उसे कैसे भूल सकते हैं हम। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। सर हम जूली बोल रहे हैं। सर हमें माफ कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? सर वो डांस टीचर ने कुछ नहीं किया, वो खून से सने हुए कपड़े और वो सूटकेस हमने डांस टीचर की अलमारी में रखे थे। क्या, क्यों किया तुमने ऐसा? हैं सर हम बहुत परेशान थे उनसे, वो हमको बहुत परेशान करते थे, इसलिए जब कविता गायब हुई तो हमने उनको मजा चखाने के लिए ये सब किया। लेकिन सर हमें ये नहीं मालूम था कि सर सचमुच कविता का खून हो जाएगा। तुम जानते हो तुम लोगों ने क्या किया है? इसके लिए जेल होगी तुम लोगों को, कम से कम 2 दिन तो जरूर होगी। क्या हुआ सर? दया उस डांस टीचर ने भी कुछ नहीं किया, इसका मतलब है इस लड़की का खूनी अरविंद ही हो सकता है। मगर सर वो तो दिल्ली में था, एक आदमी एक ही टाइम पे दो दो जगहों पे कैसे हो सकता है? भाई आपने मांगी है तो एक टोपी तो पसंद करनी पड़ेगी ना। भाई ये कैसी है? सर ये अरविंद सर की दिल्ली टूर की फाइल। ये अरविंद दिल्ली कब गया था? संडे को,
और आया कब? आज ही तो आए हैं। आज ही? मतलब मंडे? मतलब 7 दिन? ये 7 दिन वो दिल्ली में ही था? जी। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। थैंक यू मिस रूबी। थैंक यू रूबी। वैसे ये टोपी आप पर अच्छी लग रही है। ये तो मैं लेके जा रहा हूँ। ये दिल्ली वाली कहानी आधी झूठी निकली सर। अरविंद का काम दिल्ली में गुरुवार को ही खत्म हो गया। जरा फाइल लिखा। सर मेरी छुट्टी कब होगी? हाँ तुम्हारी छुट्टी तो हो गई। ये फाइल देखो, देखो। गुरुवार को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो उसके बाद शुक्रवार शनिवार रविवार तुमने क्या किया? मतलब जब थर्सडे को ही ऑफिस का काम खत्म हुआ तो उसके बाद भी 3 दिन तुम वापस नहीं आए। फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन। 3 दिन क्या किया तुमने? 3 दिन? हाँ। मैं तो दिल्ली में ही था। झूठ, तुम दिल्ली में नहीं थे। तुम गुरुवार की शाम को ही दिल्ली से मनाली गए, शुक्रवार की दोपहर को मनाली से मुंबई आए, रात में कविता का फोन किया और शनिवार को वापस मनाली चले गए। नहीं नहीं सर, मैं तो दिल्ली से बाहर निकला ही नहीं था। ओ तिरछी टोपी वाले, ओ ओ बाबू भोले भाले, दिल मेरा गाने लगा है, कुछ याद आने लगा है। ओ बंदा परवर, थाम लो जिगर, फिर वही टोपी लाया हूं। सरकार, आप अगर दिल्ली में थे तो मनाली से खरीदी हुई ये टोपी कहां से आई? ये टोपी? हाँ, हमने सब पता लगा लिया है। मनाली के कौन से दुकान से तुमने ये टोपी खरीदी है, समझे? आप लोगों ने उस दुकान को भी ढूंढ लिया जहां से मैंने ये टोपी खरीदी थी? जी हाँ। मतलब अभी तक जो बताया वो झूठ था? हाँ सर। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं कुछ छुपाना चाहता था। खून? नहीं सर, खून नहीं, खून नहीं सर। दरअसल मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है लेकिन वो शादीशुदा है। मनाली में मैं 3 दिन उसी के साथ था। मैं तो मुंबई आया ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर तुम मुंबई में नहीं थे तो फिर वो कौन था जिसकी आवाज तुम्हारे घर में वॉचमैन ने सुनी? सर मुझे नहीं पता सर। फिर भाई पता नहीं? एक के बाद एक कहानी सुनाया जा रहा है। दरवाजे का ताला बिना खोले तुम्हारे घर में कौन घुस सकता है? किसके पास है तुम्हारे घर की चाबी? किसी और को तुमने घर की चाबी दे रखी थी? हाँ? नहीं, मैंने तो अपनी घर की चाबी किसी। एक मिनट, शायद 5 साल पहले। क्या 5 साल पहले? क्या सर, 5 साल पहले मैंने अपनी घर की चाबी एक लड़के को दी थी। उसका नाम भी अरविंद था। वो भी एक इंजीनियर था और मेरी तरह उसको भी गिटार बजाना आता था। वो मेरा रूममेट था सर, मेरे साथ रहता था। एक और अरविंद, अब कहाँ है? सर मेरे ख्याल से वो अब अहमदाबाद में रहता है। कोई बात नहीं, अहमदाबाद से ढूंढ लेंगे उसे। अरविंद, तुम मुंबई वाले अरविंद के घर में रहते थे? हाँ रहता था। और उसके घर की चाबी भी है तुम्हारे पास? जी हाँ। पिछले शुक्रवार की रात उस घर में क्यों घुसे थे तुम? मैं घुसा था? हाँ तुम घुसे थे। क्या बात कर रहे सर, पिछले शुक्रवार की रात मेरी बहन की शादी थी और मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में था? जी हाँ, यकीन ना आए तो पूछ लीजिए किसी से। और इस लड़की को भी नहीं जानते हो? जी नहीं, नहीं जानता। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारे ग्रुप में एक तीसरा अरविंद भी है जो अपने नाम में 3 A लगाता है, नहीं? अब तो आप मजाक कर रहे हैं सर, कोई तीसरा अरविंद नहीं था। तो वो अरविंद क्या आसमान से टपका था जो उस लड़की को शुक्रवार को मिला था? हा?
वो भी इंजीनियर था और वो भी वही करता था जो तुम दोनों करते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अरविंद। सर वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम बादशाह नाम के आदमी को जानते हो? बादशाह, ये नाम आपको किसने बताया? वो छोड़ो, ये बताओ ये बादशाह है कौन? बादशाह वो तो मेरा कॉलेज टाइम का फ्रेंड है सर। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या उस दूसरे अरविंद का भी दोस्त है? सिर्फ मेरा, दूसरा अरविंद तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सर जब मैं और अरविंद एक साथ रहते थे तो वो अक्सर हमारे घर आ जाया करता था और हमारे पैसों से ऐश करता था, खाता था, पीता था और सोफे में पसर कर दिन रात टीवी देखता रहता था। जब उसका मूड होता था चला जाता था सर, बिल्कुल कामचोर था, निकम्मा था सर, इसीलिए हम दोनों उसे बादशाह बुलाया करते थे। मतलब बादशाह नकली नाम है? तो फिर उसका असली नाम क्या है? विपुल। विपुल? और उसके पास तुम्हारे घर की चाबी थी? पता नहीं सर, शायद चुपके से बनवा ली हो। अब ये सारा मामला मेरे समझ में आ गया। जिस बादशाह ने इन दोनों अरविंदों को चूना लगाया, उसी ने इनका नाम का सहारा लेकर ये लड़की का भी चक्कर चलाया। चलो अरे ये कौन है आप लोग? कौन है ये क्या हो रहा है? आप कहां जा रही है? ये हो क्या रहा है? आप लोग कौन है? ये क्या हो रहा है? प्लीज अरे कोई बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। तुम विपुल हो? बादशाह नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं सर। विपुल कहां है? वो तो बाहर गया। बाहर कहां? वो साइबर कैफे। साइबर कैफे क्यों? सर ये देखिए, इसलिए गया है वो साइबर कैफे। तो इंटरनेट पर लड़कियों को फंसाने का काम करता है ये बादशाह। कौन हो तुम? मोनाली। मोनाली? ये क्या मतलब? कौन हो तुम? तो फिर मैं कविता हूँ। कविता? या छाया या माधुरी या फिर तानिया, जैसे तुम विपुल हो या बादशाह या अरविंद। भाग क्यों जा रहा है? तुझे लेने के लिए तो गाड़ी आई है। कविता से मेरी मुलाकात इंटरनेट पे हुई थी। वो मुझे अरविंद के नाम से जानती है। और तुमने अरविंद के नाम से बड़े बड़े फाफे मारे ताकि वो तुमसे मिलने के लिए आ जाए, हैं? मुझे पता चला कि अरविंद एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा है। ये मौका देखकर मैं उसके घर में घुस गया और मैंने कविता को वहां बुला। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलूं? अरे जान, अभी अभी तो आई हूँ। 12:30 बज चुके अरविंद, और तुम तो जानते हो कि सुबह मुझे अहमदाबाद जाना है, मेरे 5 बजे की ट्रेन है। तो क्या हो गया, यहीं से चली जाना ना, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ सारी रात रहूं तुम्हारे साथ? कम ऑन कविता,
तुम भी समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या? पागल हो गए हो तुम? It's okay, कविता, चलता है ये सब, और ऐसे मौके बार बार भी मिलते हैं। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। कविता? नहीं कविता, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आगे बताओ। देखो आगे मत बढ़ो। अरे तुम अंदर कैसे है? छोड़ो छोड़ो। इस इंटरनेट की वजह से कितनी ही भोली भाली लड़कियां फंस रही हैं। एक अनजान आदमी को मिलने से पहले उन्हें सावधान होना चाहिए। अब मैं फंसूंगा, मैं जिंदगी भर हर चीज में फेल होता है। अब जेल में पास हो जाना, समझे? फ्रेडरिक्स, इसे ले जाओ और उस डांस मास्टर को लेके आओ। उससे माफी मांगकर उसे छोड़ना है। अरे नहीं सर, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। जब भी जाता हूं जोर से हाथ पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं फ्रेडरिक्स, पी के झूमना बंद कर दो। और उसने शायद तुम्हारे अंदर छुपा हुआ डांस का टैलेंट देख लिया होगा। डांस करना गुनाह है क्या? आप दया सर को बोल दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।